अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा मैथ ए का 4 लेक्चर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट इन लेक्चर नंबर 3 हमने कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस किए थे, जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला था और उसमें था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, और ये हमने जस्ट इनके फार्मूले डिस्कस किए थे और डिटेल में हमने रेशियो फार्मूला पढ़ा था। इसी तरह हमारा फोर पार्ट है उसी का, इम्पोर्टेंट रिजल्ट का, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कोलिनियर, वहीं से निकला है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। थ्योरम एंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर होते हैं जो कि पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करें। द पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी एक लाइन पे अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाए, जैसे P1, P2 एंड P3, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर्स पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, थ्योरम क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स के लिए कौन कौन से P1, P2, P3 टू बी कोलिनियर, यानी वो कोलिनियर होंगे, यानी वो एक लाइन पे लाई करेंगे, इज़ दैट देर शुड एग्जिस्ट स्केलर, कि वहाँ पर 3 स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए 3 पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग, K1, K2, K3, सच दैट उनका सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और एक और कंडीशन उन्होंने दी हुई है, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। वेयर V1 V2 एंड V3 आर द वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स OP1, OP2 एंड OP3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टेटमेंट की समझ आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन होता है, इफ़ एंड ओनली इफ IFF और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट को सपोज करते हैं, दूसरे को प्रूव करते हैं, और दूसरे को सपोज करते हैं और पहले को प्रूव किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, या तो हमारे पास IFF वाली कंडीशन आ जाती है, या फिर इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ जाती है, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास प्रूव है इसका। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेंगे कि हम अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि लेट 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर हैं वो कौन कौन से हैं, लेट P1 P2 P3 बी द 3 पॉइंट्स। मैं कहती हूँ कि मेरे पास P1 P2 P2 एंड P3 आर द 3 पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट P1 P2 पे लाई कर रहे हैं। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं, जैसे रेशियो फार्मूला हमारे पास क्या था, क्यू बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ P1 एंड P2 इनटू रेशो K1 M1 रेशो M2। तो यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन बन रही है कि P3 जो है वो पॉइंट है जो P1 P2 के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है इन रेशो K2 रेशो K1। बिल्कुल उसी रेशो फार्मूला अगर हम लगाना चाहें, सो P3 हमारे पास वही Q पॉइंट है दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट P1 P2 को इन द रेशो K2 रेशो K1। जैसे वहाँ पे था M1 रेशो M2, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ K2 रेशो K1। और ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इस कंडीशन को प्रूव करने की वजह से है। वहाँ पे हमारे पास था M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, इस तरह की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये थोड़ी सी चेंज है। सो बाय रेशियो फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, OP3 यानी OQ, OP3 OQ की जगह पर है ना, OQ यानी OP3 इज इक्वल टू K1 यानी M1, OP2 ये आ गया। ठीक है, प्लस K1 OP1 K2 OP2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, OP1 किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू V1। OP2 किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर V2 के बराबर होगा। और OP3 किसके बराबर है, वेक्टर V3 के बराबर होगा। ठीक है, OP1 V1 वेक्टर, OP2 वेक्टर V2, और OP3 किसके बराबर है, वेक्टर V3 के बराबर है। ठीक है, अब ये मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, OP की तरह V3 आ गया, इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 ओवर K1 प्लस K2 आ गया। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, वी थ्री इंटू के वन प्लस के टू इज इक्वल टू के वन वी वन प्लस के टू वी टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मज़ीद क्या हो सकता है, वी थ्री वैक्टर दूसरी साइड पर चला जाएगा तो उधर जाके ये क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का के वन प्लस के टू इंटू वी थ्री इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन थी, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलीनियर देन देर एग्जिस्ट, देर शुड एग्जिस्ट स्केलर्स के वन के टू के थ्री के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो बाय दिस कंडीशन, इस कंडीशन को मैंने यूज़ किया के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो मैं लिख सकती हूँ के वन प्लस के टू इज इक्वल टू माइनस का के थ्री, लिख सकती हूँ ना। तो फिर मैंने इसकी जगह पर क्या कर दिया, के वन प्लस के टू की जगह पर पुट कर दिया माइनस के थ्री, तो मेरे पास यहाँ स्टेटमेंट प्रूव होगी कि के वन वी वन प्लस के टू वी टू प्लस के थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो के बराबर, जो हमने प्रूव करने थे। नेक्स्ट क्या है, हमने क्या लिया, कोलिनियर लेकर हमने वो कंडीशन प्रूव कर दी। अब हमने कंडीशन लेकर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो सफिशेंसी कंडीशन क्या होगी कि हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या है स्टेटमेंट के वन वी वन प्लस के टू वी टू प्लस के थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर ये हमारे पास जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दीज थ्री वैक्टर्स, हमारे पास वहाँ पर थ्री स्केलर भी एग्जिस्ट करेंगे। यही कंडीशन है ना कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट होंगे, अगर ये दो स्टेटमेंट है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ये प्रूव करना है। सो वेयर के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इज इक्वल टू जीरो और के वन प्लस के माइनस माइनस का के वन प्लस के टू दैट इज इक्वल टू के थ्री, उसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, के थ्री की जगह पर पुट कर दिया, फिर ये दूसरी साइड पर चला गया और मेरे पास क्या आ गया, के वन प्लस के टू ओवर वी थ्री इज इक्वल टू के वन वी वन प्लस के टू वी टू। ठीक है, ये थ्री इधर ही रह गया और इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया और वी वन की जगह पर पुट कर दें ओ पी वन, वी टू की जगह पर ओ पी टू और वी थ्री की जगह पर ओ पी थ्री। यहाँ से क्या पता चला, दिस शो दैट द पी थ्री पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी वन पी टू इंटू रेशो के टू रेशो के वन में डिवाइड कर देते हैं।